पैराशूट रेजिमेंट, यानी पैराशूट रेजिमेंट जो कि आपका सेंटर बेंगलुरु में पड़ता है, उसकी दोस्तों भर्ती आपकी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 13 तारीख से है, लेकिन इसमें अभी भी डाउट है कि अदर सेंटर जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों 13 सितंबर की आपकी ये भर्ती है, हमने आपको पहले ही बता दिया था और टेलीग्राम ग्रुप पे भी दोस्तों हमने पहले ही आपको अपडेट दे दी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर ये वीडियो हमने बनाई थी कि आपकी जो रिलेशन भर्ती है पैरा रेजिमेंट की, तो वो आपकी 13 तारीख से स्टार्ट है। और दोस्तों आपको बता दूं आपकी सिखलाई सेंटर की दोस्तों भर्ती 26 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, यानी 26 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आपकी भर्ती चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने आपको पहले बता दिया था कि पैरा रेजिमेंट की भर्ती आपकी 13 सितंबर से, आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था, हमारे पास चार्ट नहीं था लेकिन हमारे पास कंफर्म पूरा कंफर्म था कि आपकी भर्ती 13 तारीख से है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करते हो आप हमारा यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब के लिए लाल आइकन को क्लिक करके बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं अब आपके जो डाउट्स हैं कि इसमें अदर सेंटर जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी पूरी जानकारी। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पे आप वार विडो, विडो, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, ब्रदर ऑफ सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के दोस्तों इनका खुद का जिसका सेल्फ सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं, वार्ड्स ऑफ पैराशूट रेजिमेंट ओनली। तो इस बार दोस्तों जो भर्ती निकली है 2022 की, तो इसमें केवल सेल्फ सेंटर वाले ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इन्होंने अपने सेल्फ सेंटर वालों को ही लिया है। अगर ज़्यादा वैकेंसी होती जैसे हर बार की तरह, तो यह अदर रेजिमेंट वाले को भी अलाउ करते, तो इसलिए इससे यह साबित होता है कि इसमें वैकेंसी कम है, इसलिए खुद ही सेल्फ सेंटर वालों को इस बार अलाउ कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो 13 तारीख से स्टार्ट है, जो कि आपकी सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास और 10th पास के यहाँ पर दोस्तों आपकी भर्ती है। यहाँ पर दोस्तों पहले आपका 13 तारीख का प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, उसके बाद दोस्तों आपका 14 से 24 सितंबर तक दोस्तों आपके यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पर चलेंगे, और डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके यहाँ पर फिर जो सबमिट हो गए वो यहाँ पर चेक किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 26 सितंबर से दोस्तों आपको मेडिकल एग्जाम होंगे दोस्तों, आपको मेडिकल जो भी आप PFT और PMT में, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनका फिर मेडिकल एग्जाम होगा, और जो मेडिकल में अनफिट हो गए उन्हें MH के लिए दोस्तों रेफर कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें आपके 11 नवंबर को दोस्तों आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे, और 13 नवंबर को दोस्तों आपका यहाँ पर CE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका जो यहाँ पर एग्जाम होगा, जो आपको रिपोर्ट करनी है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको रिपोर्ट करनी है गेट नंबर 1 द पैरा रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु ऑन 13 सितंबर सुबह 5 बजकर दोस्तों आपको एंट्री करनी है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उनकी 2 से 3 फोटोकॉपीज यानी जीरोक्स कॉपी आपको वहाँ पर लेकर जानी है दोस्तों। तो आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और जिस भाई ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, तो ज्वाइन कर लेना, हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट आपको देते रहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपको अपडेट देते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पर भी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ।